हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एमयूपी न्यूज में आपका स्वागत होने वाला है, क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो होने वाला है। फर्स्ट अपडेट निकल के आती है स्काउट की तरफ से, जिसमें कि स्काउट एक इनविटेशनल इवेंट करने वाले हैं, जिसमें 2000 प्लस टीम्स होंगी। वो स्टार्ट होने वाला है वीजीआईएस फाइनल्स के बाद। तो आइए देखते हैं स्काउट ने इस बारे में क्या। सो दिस इज स्काउट इनविटेशनल। सो बेसिकली इसमें होने वाला ओपन फॉर ऑल प्लस इनविटेशंस 2028 स्लॉट। ये रैंडम नंबर है, मतलब 2000 के आसपास स्लॉट्स रहेगा, ठीक है। राउंड वन स्ट्रीम नहीं होने वाला है, ओके। नंबर ऑफ टीम्स जो रहेंगे 2000 के अराउंड रहेंगे। फलाने में एरंगल में मिरामार रहेगा सिर्फ, 10 दिन के अंदर इसी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोल गॉडल को इसमें डायरेक्ट इनविटेशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि BGMS के जो ग्रैंड फाइनलिस्ट 16 टीम्स थी उनको डायरेक्ट इनविटेशन मिलने वाला है, जिसमें कि सोल गॉडल नहीं थी। इसके बारे में स्काउट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल में जो इन्वाइटेड टीम है टीम से, वो BGMS के जो लैन का फाइनल खेले, जो स्टार स्पोर्ट्स में हुआ था, तो 16 टीम जो लैन का फाइनल खेले उनको सेमीस में इनवाइट है। नेक्स्ट अपडेट है स्नेल ओपी की तरफ से, जिसमें से स्नेल ओपी के चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस ट्रैक आई हुई है, जिससे वो कुछ भी चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत मैं पूरी मेहनत कर करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। रोज मैंने ये भी बनाई, 4-5 बजे मैं सोया बना के, मैं सुबह उठता हूँ देखने के लिए कि वीडियो अपलोड करूंगा। मैं देखता हूँ मेरे चैनल के ऊपर तीन वीडियोस पे स्ट्राइक आ चुकी है। तीन वीडियो मेरी टेक डाउन हो गई, मुझे नहीं पता कैसे। उसके बाद में मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं यार, ये भी देखेंगे, थोड़ा उस पर रिव्यू वगैरह मैंने डाल दिया कि आप रिव्यू करो इसको। मैं दूसरी वीडियो अपलोड करने के लिए जैसे जाता हूँ, देखता हूँ मेरे चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है इन सब का बाप। कॉपीराइट स्ट्राइक फिर भी आपको अलाउ करता है कि आप एटलीस्ट वीडियो डाल पाओ। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपका हर चीज़ बंद कर देता है। एक हफ्ते तक आप ना वीडियो डाल सकते हो, ना आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ना आप कोई कम्युनिटी पोस्ट अपलोड कर सकते हो। थर्ड अपडेट निकल के आते हैं एनटीटी के 47 की तरफ से, जिन्होंने एनटीटी सपोर्ट्स को अलविदा कहा ड्यू टू परफॉर्मेंस इश्यूज। ये सब उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे कहा, आइए देखते हैं। बाय द स्टैट्स इफ यू गो, टीम में सबसे खराब स्टैट्स मुझे, दैट्स नॉट द केस, बट ऐसा नहीं है, वो मेरी पूरी परफॉर्मेंस है। भले ही BGMS खराब गया, बट पीपल ने गाइज, ये थी आज की न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी।